नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। गुना कृषि उपज मंडी में दिवाली पर हुई बंपर आवक। गुना के आसपास के जिलों से भी आ रहे हैं गल्ला बेचने किसान। मंडी में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं को लेकर किसान संतुष्ट। इंडिया खबर लाइव टीम ने किसानों से व मंडी सचिव से की बात। प्रस्तुत है गुना से राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। जी हां, गल्ला बेचने के लिए गुना उपज मंडी में जिला अशोकनगर के आसपास से भी किसान गल्ला लेकर आ रहे हैं। व्यापारी गल्ला मंडी प्रशासन त्योहार को देखते हुए किसानों की हर संभव मदद और हर जरूरत के लिए मूलभूत सुविधा पेयजल से लेकर अनाज खरीदने की बोली समय पर लगे व्यवस्था कर रहा है। गुना मंडी सचिव उदयभान चतुर्वेदी ने इंडिया खबर लाइव को जानकारी देते हुए कहा कि गुना मंडी की इनकम पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 25% अधिक रही। गुना से राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या लाए थे? मसूर। कौन से गाँव के हो? तो क्या भाव गई है मसूर? 7,015। मंडी में सही चल रही है अभी की स्थिति में? कोई परेशानी है मंडी में? पानी वगैरह किसी चीज की? बढ़िया भाव मिल रहा है। सावड़ा से ज्यादा भाव है? सावड़ा अशोकनगर जिले में आता है। तो आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं आई किसी प्रकार की? अप्रैल 2021 में मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई थी और हमारे एमडी साहब के निर्देश थे कि मंडी की आय में निरंतर वृद्धि होना चाहिए और किसान को किसी प्रकार की असुविधा न हो। किसान जो माल बेचता है उसका बराबर विधिवत उसको भुगतान मिले। किसी किसान का व्यापारी भुगतान रोके नहीं तो बराबर मेरे द्वारा उसमें प्रयास किए गए। और चूंकि अप्रैल लॉकडाउन था, हमारे कुछ व्यापारी भाइयों की भी इसमें कोरोना की कारण मृत्यु हुई थी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में लॉकडाउन होने के कारण शासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा पूरे ज़िले में की सीमाओं को सील किया गया था। इस कारण से मई और अप्रैल महीने में और मई माह में मंडी बंद रही और कोई क्रय विक्रय नहीं हुआ। उसके बावजूद भी जैसे ही जून से मंडी प्रारंभ हुई तो कलेक्टर महोदय के निर्देश के पालन में हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया और विधिवत जो है मंडी की नीलामी अल्टरनेट करवाई। दो तीन दिन हमने जैसे एक जन्स की बिक्री करवाई तो दूसरे दिन दूसरी जन्स की बिक्री करवाई। और उसमें चूँकि प्रतिबंधित किया गया था अन्य ज़िले के किसानों की फसल को बिक्री करने के लिए और राज्य के अन्य राज्यों के किसान भी यहाँ बिक्री के लिए न लाएं, तो जुलाई से लेके सितंबर तक प्रति माह मैंने मंडी की आय में वृद्धि की है। अगस्त महीने में 30.91%, सितंबर में लगभग 11% मंडी की आमदनी में वृद्धि हुई और इस महीने 27 तारीख तक हम जो है गत वर्ष की टैक्स की तुलना में 25% प्लस चल रहे हैं।